हर घर तक योग को पहुंचाने किया जा रहा प्रयास। 1 मई से 10 दिवसीय योग शिविर होगा प्रारंभ। बुलेट चोरी होने पर आहत छात्र ने आत्महत्या करने किया प्रयास। जिले में जारी है असाक्षरों का सर्वे। शरीर को रोग से मुक्त रखने के उद्देश्य से जिला योग आयोग समिति बालाघाट द्वारा शहर के श्याम मॉल 1 मई से 10 मई तक ग्रीष्मकालीन योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न समाज के अध्यक्षों को जोड़कर इस शिविर में सभी समाज के बच्चों, युवा व बुजुर्ग शामिल होकर योग का लाभ ले सकें, ये प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में शुक्रवार को जिला योग आयोग समिति के द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए बताया गया कि योग को घर घर तक पहुंचाने वार्डों व मोहल्लों में समिति का गठन किया जा रहा है। इस समिति के द्वारा लोगों को योग के बारे में जागरूक किया जाएगा। हमारा उद्देश्य यही है कि सभी लोग रोग मुक्त हों और सबकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़े जो योग करने से। इसलिए हम चाहते हैं कि सभी जितने भी महिला पुरुष बच्चे इस क्षेत्र में आगे आए और हमारे कैंप को सफल बने। जिले को हम स्वस्थ कैसे रखें योग के माध्यम से, तो हमारा उद्देश्य ये था कि वार्ड वाइज पहुंचने के लिए हम अपने समाज को जोड़ रहे हैं, समाज वाइज भी हम घर घर तक पहुंच रहे हैं। तो उसी परंपरा को लेते हुए हम लोगों ने अभी कुछ ही समाजों को हमने जोड़ा है। 1 मई 2024 को शाम मॉल में यहीं पर सुबह 6 बजे से 7 बजे तक योग शिविर का आयोजन कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि बीमारियां जिस तरीके से बढ़ रही हैं, तो हर व्यक्ति को योग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी रोग के होने के बाद योग करना तो हर कोई फिर डर के कारण करता है, पर पहले से अगर कोई योग करता है तो बीमारियां हमारे घर तक ही नहीं पहुँच पाती। यही उद्देश्य हमारा इस योग आयोग समिति का है। शहर मुख्यालय से करीब 8 किलोमीटर दूर वारासिवनी रोड पर डोंगरिया में स्थित सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में एक छात्र की बुलेट गाड़ी चोरी हो जाने से आहत छात्र द्वारा स्वयं पर पेट्रोल डालकर आत्महत्या करने का प्रयास किए जाने का मामला सामने आया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ था। कॉलेज परिसर में आत्महत्या का प्रयास करने वाले छात्र की पहचान शिवांशु, पिता सुदर्शन तिवारी के रूप में की गई है। उक्त छात्र ने कॉलेज के सुरक्षा गार्ड पर ही बुलेट चोरी करने की आशंका जताते हुए मामले की जांच किए जाने की मांग की है। मेरी बाइक 10 तारीख को चोरी हो गई थी, जो कि अपन ने सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट पार्किंग में पार्क किए थे। थाना गए पुलिस कंप्लेंट करवाने, तो उन्होंने खाली अपनी जो लेटर है उसे लिख करके अपने पास रखा। फिर 2-4 दिन बाद कॉल किए, सर FIR कॉपी चाहिए, तो अभी तक हमें FIR कॉपी नहीं दिए। कॉलेज के पास जाते तो बोल रहे कि पुलिस वाले देखेंगे, पुलिस वाले है कि रिपोर्ट लिखने को तैयार नहीं है। पुलिस से जब पूछताछ करने गए, गार्ड सो रहा था। उसके बाद जब हम लोग ने कॉलेज कैंपस में सबसे टीचरों से बात करे, उनने हाथ खड़े कर दिए। उसके बाद जब हम लोग थाने गए, थाने से भी हाथ उनने सीधा सीधा बोल दिया कि कॉलेज के अंदर का जो मामला है वो कॉलेज वाले देखेंगे। अब हम लोग का ऐसा है कि अगर आज कार्रवाई कुछ भी नहीं होती आगे, तो कल हम लोग कॉलेज में हड़ताल करेंगे। राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के निर्देशन तथा कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा व जिला पंचायत CEO DS रणदा के मार्गदर्शन में जिले में नव भारत साक्षरता कार्यक्रम संचालित है। जिला परियोजना समन्वयक डॉक्टर MK शर्मा से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के अंतर्गत 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के असाक्षरों को साक्षर करने के उद्देश्य से योजना अंतर्गत 22 से 29 अप्रैल तक घर घर सर्वे का कार्य किया जा रहा है। इस कार्य में विभागीय अमला व शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में शुक्रवार को डाक मतपत्र का स्ट्रांग रूम खोला गया। ज्ञात हो कि जिले के नियमित रूप से सर्विस वोटर्स के मत लिफाफे प्राप्त हो रहे हैं। प्राप्त लिफाफे आयोग के निर्देशानुसार स्ट्रांग रूम में रखे जा रहे हैं। सहायक नोडल अधिकारी PB श्री गजेंद्र कठाने ने बताया कि शुक्रवार को 20 ETPBS प्राप्त हुए हैं। बालाघाट जिले में अब तक कुल 491 ETPBS पोस्टल बैलेट प्राप्त हुए हैं, जिन्हें स्ट्रांग रूम में रखे गए।
विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर शासकीय कमला नेहरू कन्या महाविद्यालय बालाघाट में शुक्रवार को महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर निधि ठाकुर के मार्गदर्शन में विशेषज्ञ व्याख्यान का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के उमंग कार्यक्रम के अंतर्गत शासकीय रेड क्रॉस एवं रेड रिबन क्लब के संयुक्त तत्वावधान में किया गया, जिसमें विशेषज्ञ के रूप में जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर मनीषा जुनेजा द्वारा उपस्थित महाविद्यालयीन छात्राओं को विश्व मलेरिया दिवस के उद्देश्य, मलेरिया रोग के फैलाव, मलेरिया को रोके जाने उपाय के बारे में जानकारी दी गई। छात्राओं को मलेरिया प्रोजेक्ट थीम के द्वारा भी डेमो देकर जानकारी दी गई। कल विश्व मलेरिया दिवस को मनाया गया है 25 अप्रैल और हम लोग पूरे वीक को ही मलेरिया दिवस या मलेरिया मंथ या मलेरिया साल को मनाना चाह रहे हैं। हमारी पूरी प्रयास है क्योंकि बालाघाट एक खास एरिया है, हाईली एंडेमिक एरिया है और हमारी कोशिश है कि यहाँ पर मच्छर जन्य बीमारियों को लेकर के जितना अभी प्रचार प्रसार, जितने अभी मेले प्रदर्शनी लगाई जा सके, लोगों तक हमें यह जानकारी पहुंचानी है कि भाई मलेरिया की स्थिति बालाघाट में क्या है और क्या क्या इसके लक्षण होते हैं और इससे किस प्रकार से बचा जा सके।